आज हम बनाएंगे मसाला खिचड़ी। ये खिचड़ी खाने में जितनी स्वादिष्ट है उतनी ही हेल्दी है, क्योंकि ये खिचड़ी बनाने के लिए हम चार प्रकार की दाल का इस्तेमाल करेंगे, जिससे खिचड़ी की न्यूट्रिशियस वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। और साथ में बनाएंगे तड़के वाला दही, जो खिचड़ी के स्वाद को और बढ़ा देगा। तो चलिए ये मजेदार सी खिचड़ी बनाना शुरू करते हैं। ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं हूँ हेतल और मेरे किचन में आपका स्वागत है। खिचड़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये कप के नाप से एक कप चावल लिए हैं। आप कोई भी चावल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो खिचड़ी के लिए स्पेशल चावल आते हैं उसका इस्तेमाल करेंगे तो स्वाद बहुत बढ़िया आएगा। 1/4 कप यहाँ पर मैंने तूर की दाल ली है, जिसे अरहर की दाल भी बोलते हैं। 1/4 कप मैंने मूंग की छिलके वाली दाल ली है। अगर आपके पास छिलके वाली दाल नहीं है तो आप बिना छिलके वाली दाल भी ले सकते हैं। 1/4 कप मैंने मसूर की दाल ली है और 1/4 कप मैंने चने की दाल ली है, यानी कि एक कप चावल लेना है और 1/4 कप के नाप से हमें चार दाल लेनी है। आप कोई भी दाल ले सकते हैं, आपके घर में जो भी अवेलेबल है। आपके घर में जो भी सब्जी अवेलेबल है वो सारी सब्जियां आप ये खिचड़ी के अंदर डाल सकते हैं। अभी यहाँ पर मैंने लौकी, आलू, पत्ता गोभी, टमाटर, गाजर, फ्रेंच बीन्स और मटर के दाने लिए हैं। आपके घर में इसमें से जो भी सब्जी अवेलेबल है वो सारी सब्जी आप ये खिचड़ी बनाने में डाल सकते हैं। सब्जियों को हमें इस तरह से बारीक टुकड़ों में कट कर लेना है। और साथ में यहाँ पर मैंने लिया है हरा लहसुन, हरा प्याज, 2 मीडियम साइज के सूखे प्याज, अदरक मिर्च और लहसुन की पेस्ट ली है मैंने। अगर आपके पास हरा प्याज और हरा लहसुन नहीं है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं, और अगर आप प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं तो आप प्याज और लहसुन को भी स्किप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें सारी सब्जियों को कट करके रेडी रखना है। तो हमारी सारी तैयारियां अभी हो चुकी है। तो अब हम एक बाउल लेते हैं और उसके अंदर चावल और सभी दालें मिक्स कर लेते हैं। ये खिचड़ी बनाने के लिए हमें दाल और चावल को भिगोकर रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको खिचड़ी बनानी हो तो उसी समय पर आप दाल और चावल को इस तरह से मिक्स करें और पानी से अच्छी तरह से साफ कर लें। खिचड़ी का जो मेजरमेंट है वो भी बहुत ही सिंपल है। आप एक कप चावल ले रहे हैं तो आपको एक कप चारों दाल मिक्स लेनी है। आपके पास घर में जो भी दाल अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं, और अगर आपके पास चार दाल नहीं है तो आप 2 या 3 दाल को मिक्स करके भी ये खिचड़ी बना सकते हैं। पानी से हम इसे अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं। मैंने इसे 2 बार पानी से अच्छी तरह से धो लिया है। तो अब हम कुकर के अंदर 5 से 6 बड़े चम्मच तेल को गर्म करने के लिए रख देंगे। ये खिचड़ी हम कुकर के अंदर बनाएंगे। तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो 3 से 4 काली मिर्च और 2 से 3 इसके अंदर हम लौंग डालेंगे। जब वो अच्छी तरह से चटकने लगे तब उसके अंदर हम 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे, 1 चम्मच सरसों डालेंगे। तड़के में हमें जीरा और सरसों दोनों डालना है। अब इसके अंदर हम 1/2 चम्मच हींग डालेंगे। गैस की फ्लेम को अभी मैंने मीडियम और स्लो के बीच में रखा है। एक बार अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब सबसे पहले इसके अंदर हम प्याज डालेंगे। प्याज को मैंने इस तरह से बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है। प्याज को हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे, जब तक ये हल्के गुलाबी ना हो जाए। फिर उसके बाद डालेंगे अदरक मिर्च और लहसुन की पेस्ट। हमने यहाँ पर हरा लहसुन भी इस्तेमाल किया है और सूखा वाला लहसुन दोनों इस्तेमाल किया है। मिला लेंगे अच्छी तरह से उसे। अब इसके अंदर डालेंगे हम हरा लहसुन और साथ में डाल देंगे हरा प्याज। आपको जितना तीखा पसंद हो उसके हिसाब से आप हरी मिर्च डालें। इसमें हम लाल मिर्च पाउडर भी डालने वाले हैं, तो हरी मिर्च आप उसके हिसाब से डालें। हरे लहसुन और हरे प्याज को पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, तो इसे सिर्फ 1/2 से 1 मिनट के लिए हम पका लेंगे। अभी अच्छी तरह से पक गए हैं तो सबसे पहले डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च डाला है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। ये खिचड़ी बनाने के लिए आप लाल मिर्च और हरी मिर्च दोनों का इस्तेमाल करें। आपको जितना तीखा पसंद हो उसके हिसाब से आप दोनों की क्वांटिटी डालें। और खिचड़ी में अच्छा कलर आपको चाहिए और खिचड़ी आपको तीखी नहीं बनानी है तो आप कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी पाउडर और मिर्च को मैंने मिला लिया है। अब इसके अंदर सबसे पहले डालेंगे हम टमाटर और टमाटर को गलने तक पका लेंगे।
एक से दो मिनट में ही टमाटर अच्छी तरह से गल जाएंगे। आप चाहे तो टमाटर को कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मिक्सर में प्यूरी बनाकर ना डालें। टमाटर अभी हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं, एक बार इसे हम मिला लेंगे। अभी मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया है। अब इसके अंदर हम सारी सब्जियां डाल देंगे। अगर आप चाहे तो इसके अंदर आप फूल गोभी भी डाल सकते हैं। मेरे पास अभी घर में नहीं थी तो मैंने नहीं डाली है। सब्जियां डालने के बाद एक बार अच्छी तरह से इसे हम मिला लेंगे। आप पत्ता गोभी को इस तरह से लंबे लंबे टुकड़ों में कट करके डालें। नमक डाल देंगे स्वाद के हिसाब से। अभी यहाँ पर मैंने 1.5 टीस्पून के करीब नमक डाला है। नमक भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हमने जो चावल और दाल को धोकर रखा था वो डाल देंगे। उसे भी अच्छी तरह से हम एक बार मिक्स कर लेंगे। मैंने दाल और चावल को बिल्कुल भी भिगोकर नहीं रखा है। पहले मैंने सारी सब्जियां तैयार कर ली थी और उसके बाद मैंने दाल और चावल को सिर्फ पानी से 2 से 3 बार अच्छी तरह से साफ कर लिया है। चावल और सब्जियां अच्छी तरह से अभी मिक्स हो चुकी है, तो इसके अंदर हम पानी डालेंगे। पानी का भी मैं आपको परफेक्ट मेजरमेंट बताती हूँ। यहाँ पर हमने 1 कप चावल और 1 कप मिक्स डाल ली है, यानी कि 2 कप हमारे दाल और चावल है, तो उससे 4 गुना पानी इसके अंदर हमें डालना है, यानी कि टोटल हम इसके अंदर 8 कप पानी डालेंगे। इतना पानी डालने से खिचड़ी की जो कंसिस्टेंसी है वो दाल खिचड़ी जैसी बनेगी, यानी कि थोड़ी सी लूज बनेगी। अगर आपको इतनी लूज कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए तो आप इसके अंदर 1 कप पानी कम डालें, यानी कि 6 से 7 कप के करीब डाल सकते हैं। अगर आप ये मेजरमेंट फॉलो करके ये खिचड़ी बनाएंगे तो आपकी खिचड़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। एक बार आप इसे बनाएंगे तो फिर बार बार ये मसाला खिचड़ी बनाना आप पसंद करेंगे। आपको बस ये खिचड़ी बनाने के लिए दाल और चावल का जो रेशियो है वो एक समान रखना है, यानी कि आप 1 कप चावल ले रहे हैं तो 1 कप आपको सभी दालें मिक्स करके लेनी है। आप मेजरमेंट के लिए आपके घर में रखे कोई भी कप, बाउल या कटोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इतनी क्वांटिटी में से आप 4 से 5 लोगों के लिए खिचड़ी बना सकते हैं। अब हम कुकर का ढक्कन बंद करेंगे, लेकिन इसके ऊपर सबसे पहले हम तेल लगा देंगे। जब भी आप कुकर के अंदर बहुत सारा पानी डाल के कोई भी चीज़ पकाते हैं तो जब विसल बजती है तो सारा पानी निकलकर बाहर आ जाता है, तो ऐसा ना हो इसके लिए आप कुकर के ढक्कन के ऊपर इस तरह से तेल लगा दें और उसकी जो रिंग है उसके ऊपर भी तेल लगा दें तो पानी बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा, या तो फिर बहुत ही कम आएगा। खिचड़ी को हमें मीडियम फ्लेम के ऊपर 4 से 5 विसल आने तक प्रेशर कुक कर लेना है, या तो फिर आप इसे 15 से 20 मिनट के लिए प्रेशर कुक कर दें। मैंने अभी यहाँ पर सबसे छोटे वाले बर्नर का इस्तेमाल किया है और मीडियम फ्लेम पर मैंने 4 से 5 विसल आने तक ये खिचड़ी को प्रेशर कुक कर लिया है। कुकर को अपने आप ठंडा होने दें और फिर बाद में उसे खोलें। हमारी खिचड़ी तैयार है। अब हम तड़के वाला दही बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक नॉनस्टिक के अंदर 2 चम्मच तेल गरम करने के लिए रख दिया था। अब उसके अंदर हम 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और साथ में ही लहसुन और मिर्च की चटनी डाल देंगे। ये ड्राई वाली चटनी मैं हमेशा घर पर बनाकर रखती हूँ। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी तरह से इसे तेल के साथ हम मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हमें स्लो ही रखना है ताकि हमारी जो लहसुन की चटनी है वो जल ना जाए। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप सिर्फ मिर्च पाउडर डालकर ये तड़के वाला दही बना सकते हैं। लहसुन की चटनी को हम अच्छी तरह से पका लेंगे ताकि लहसुन का जो कच्चापन है उसके अंदर से वो चला जाए। लहसुन का जो कच्चा टेस्ट होता है वो तड़के वाले दही में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए इस तरह से चलाते हुए पका लेंगे। ये तड़के वाला दही खिचड़ी के साथ तो बहुत अच्छा लगता ही है, लेकिन अगर आप इसे कोई भी रोटी या सब्जी के साथ भी सर्व करते हैं तो सब्जी का स्वाद और भी बढ़ जाता है। अभी हमारी लहसुन की जो चटनी है वो अच्छी तरह से पक गई है, तो इसके अंदर हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। लहसुन की चटनी में भी लाल मिर्च था, तो अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है तो आप फिर कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल करें, जिससे कलर बहुत बढ़िया आएगा लेकिन आपका जो तड़के वाला दही है वो ज़्यादा तीखा नहीं बनेगा। वैसे ये तड़के वाला दही ढाबे में मिलता है, वो काफ़ी तीखा होता है। अगर आपको तीखा खाना पसंद है तो आप नॉर्मल वाली लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखें, नहीं तो आपकी जो लाल मिर्च है वो जल जाएगी और फिर दही के अंदर वो बिल्कुल भी बढ़िया स्वाद नहीं देगी।
अब इसके अंदर हम एक कप दही डालेंगे। तड़के वाला दही बनाने के लिए आप जो भी दही इस्तेमाल करें वो हल्का खट्टा होना चाहिए, बिल्कुल जो फ्रेश दही होता है जमाया हुआ उसका इस्तेमाल ना करें, नहीं तो आपका दही जो है वो फट जाएगा। तड़के वाला दही बनाने के लिए हमें हल्का खट्टा दही चाहिए। दही डालने के बाद तुरंत गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। अभी इसके अंदर मैंने नमक नहीं डाला है, गैस बंद करने के बाद ही इसके अंदर हम नमक डालेंगे। अगर आप पहले से नमक डाल देते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि दही हमारा फट जाता है, तो ऐसा ना हो इसके लिए आप गैस बंद करने के बाद ही नमक डालें। अब इसके अंदर डाल देंगे हम थोड़ा सा बारीक कट किया हुआ हरा धनिया। तो अभी हमारा बहुत ही स्वादिष्ट तड़के वाला दही बनकर तैयार है और मसाला खिचड़ी भी तैयार है। खिचड़ी को आप इस तरह से मिक्स कर ले। अभी आपको इसके अंदर थोड़ा सा पानी दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी उसका जो मॉइस्चर है वो कम हो जाएगा और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। तो अभी हमारी गर्मा गर्म मसाला खिचड़ी तैयार है। उसके ऊपर हम थोड़ा सा बारीक कट किया हुआ हरा धनिया डाल देते हैं और उसे भी मिला लेते हैं। सर्दियों के मौसम में इस तरह की गर्मा गर्म मसाला खिचड़ी और तड़के वाला दही खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। आप ये रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। मसाला खिचड़ी और साथ में तड़के वाला दही, ये कॉम्बिनेशन आपके घर में सभी को बहुत ही पसंद आएगा। ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में दिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, और उस पर क्लिक करने के बाद ऑल के नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें। रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी जरूर शेयर करें। तो फिर से मिलेंगे ऐसी ही एक मज़ेदार रेसिपी के साथ।